पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एसएस पार्टी की एक सभा और प्रेस वार्ता सर्किट हाउस मुरादाबाद में एसएस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पार्टी के एजेंडे के अनुसार सुनील शर्मा को मुरादाबाद मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो वहीं डॉक्टर जतिन कुमार चौहान को मुरादाबाद जिले का प्रभारी बनाया गया। राकेश चौहान को मुरादाबाद जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वहीं महिला मोर्चे से मधु चौहान को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। विशाल गौड़ को महानगर अध्यक्ष बनाया गया है और ठाकुर अमर सिंह चौहान को जिला उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और चुनाव समिति में सर्वसम्मति से फिलहाल 3 सीटों पर अमरोहा लोकसभा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद लोकसभा में पार्टी प्रत्याशी उतारने की घोषणा की गई। पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार संगठन को मजबूत करने पर और लोगों को जोड़ने पर विचार किया गया। एसएस पार्टी की सभा का संचालन राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल चौहान के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कर्नल बीके सिंह ने सर्व समाज को एक मंच पर लाने का आग्रह किया। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान कर्नल बीके सिंह को सवर्ण समाज को एक मंच पर लाने का आग्रह किया। एसएस पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि SC ST एक्ट काला कानून समाप्त करेगी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी, जातिगत आरक्षण समाप्त करेगी और देश के सभी नागरिकों को आर्थिक आधार पर शिक्षा के लाभ पहुंचाकर विकास पथ पर अग्रसर किया जाएगा, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया जाएगा, किसान नीति बनाकर किसानों को फसल का मूल्य निर्धारण करने का स्वयं अधिकार होगा, सत्ता में आने पर किसान नलकूप बिजली मुफ्त दी जाएगी, कृषि उपयोग की वस्तुएं GST कर से मुक्त होंगी, विद्युत कनेक्शन का फिक्स चार्ज समाप्त किया जाएगा, युवाओं को समान योग्यता के अनुसार रोजगार न मिलने पर बेरोजगार भत्ता दिलाया जाएगा, भेदभाव से पीड़ित युवाओं को खेलों का समान अवसर उपलब्ध होगा, देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का कानून लागू किया जाएगा, सवर्ण समाज के महापुरुषों को देश के प्रत्येक स्तर पर अग्रणी रखा जाएगा, सांसद और विधायकों का भत्ता पेंशन समाप्त किया जाएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट उप ब्रांच स्थापित होगी, सवर्ण समाज के अग्रणी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अध्यादेश लाकर अयोध्या में ही बनाया जाएगा, कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर कश्मीरी विस्थापितों को पुनः स्थापित किया जाएगा, पड़ोसी देश द्वारा भारत में किए जा रहे आतंकवाद को शक्ति से कुचला जाएगा, महिला आरक्षण बिल को पास कराया जाएगा और राजनीति में उनकी समान भागीदारी की जाएगी, सभी भारतीय नागरिक समानता के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार बनी और सत्ता में आए तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और इन सभी बातों को पूर्ण किया जाएगा। एसएस पार्टी जो स्वर्ण समाज की पार्टी है, इसका जिला कार्यकारिणी का यहाँ गठन किया है, शुरुआत की है जिले पे, जो हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं उनकी यहाँ आज घोषणा की है। हमारी पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों ने आज कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि संगठन और समय को देखते हुए अभी हम जो स्वर्ण समाज की बाहुबल लोकसभा की 3 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में अमरोहा लोकसभा, गाजियाबाद लोकसभा और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा, हम तीनों स्वर्ण समाज की लोकसभा की बाहुबल सीटों पर हमारी पार्टी अपने समाज के अपने राजनीतिक मंच से चुनाव लड़ाने का काम करेगी। हमारा स्वर्ण समाज आरक्षण के पक्ष में नहीं है और आरक्षण विहीन भारत चाहता है, क्योंकि आरक्षण से ना ही तो अच्छा डॉक्टर बन मिल सकता है देश को, ना ही अच्छा वैज्ञानिक मिल सकता है इस आरक्षण से, कोटे से ना ही आपको IAS कलेक्टर मिल सकता है, ना IPS मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी कार्यशैली में और एक योग्य व्यक्ति की कार्यशैली में अंतर होता है। बिल्कुल लॉलीपॉप दिया है ये, कि ये चुनावी एजेंडा है, ना कि ये कोई आरक्षण का या समाज का। हमारा जो मांग थी SC एक्ट को ख़त्म किया जाए, जो ये लेके आए भारतीय जनता पार्टी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ SC एक्ट पर जो संशोधन करके अध्यादेश लाए उसको ख़त्म करते, आरक्षण को ख़त्म करते। हमारा कहना कि जो समाज में गरीब तबका है, किसी भी समाज से, किसी भी जाति से है, किसी भी समाज से है, उसको शिक्षा फ्री, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे हॉस्टल देना, प्रोवाइड करना, उन्हें किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, उनको ले जाने लाने के लिए बसों का फ्री, वो व्यवस्था करे, समाज शिक्षा की व्यवस्था करे,
करते, लेकिन कंपटीशन में आरक्षण नहीं, जो जीता वही सिकंदर, जो फर्स्ट आएगा उसी को गोल्ड मेडल, ये नहीं है कि आरक्षण कोटे से पीछे 10वें नंबर पे आ रहा है उसको आप गोल्ड मेडल पढ़ाएंगे कि एससी का है या बीसी का है। मैं यही कहना है कि देश को आगे बढ़ाना है या देश को पीछे ले जाना है तो उसका एजुकेशन सिस्टम होता है। एजुकेशन में अगर आप रिजर्वेशन दिया जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया हुआ है तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप उनको प्रतिभाओं को आगे बढ़ाइए, जब प्रतिभा आगे आएंगी उनके आगे आदर आदर एजुकेशन है आगे जाएंगे तो वही आगे आ सकते हैं। और जिस उनके अंदर आपने रिजर्वेशन पर किसी चीज़ को किया जो हमारी पार्टी का एजेंडा है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, प्रतिभाशाली बच्चों को आगे देना चाहिए चाहे वो किसी समाज के हो, अगर समाज आगे आएगा तो वो समाज भी आगे बढ़ेगा। कम समय में प्रदेश और देश के अंदर पार्टी का संगठन खड़ा किया जाए और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने आज यहाँ मीटिंग की है। सुनील शर्मा जी को हमने अमराबाद का प्रभारी बनाया है, आप बैठे हुए हैं। जिला अध्यक्ष राकेश जी को बनाया है, महानगर अध्यक्ष बनाए हैं, महानगर सचिव बनाए हैं और महानगर प्रभारी डॉक्टर साहब बैठे हैं बगल में। आपको पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। महिला मोर्चे की अध्यक्ष मधु जी बैठी हुई हैं जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके आप समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष थी, आपको हमने मुरादाबाद जनपद का महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है। हमारा आज चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में तय हुआ कि फिलहाल आज हमने घोषणा की है कि हम 3 जगह अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, अमरोहा लोकसभा, गौतम बुद्ध लोकसभा और गाजियाबाद लोकसभा में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ हमारी स्वर्ण समाज बाहुल्य सीटें हैं फिर चुनाव समिति में निर्णय लिया जाएगा कि हम कहाँ और किन प्रदेशों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, ये फिर इसके बाद निर्णय होगा। और मेरा ये कहना है कि हमारा जो पार्टी का एजेंडा है अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं ये बड़ा स्पष्ट है कि देश में किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनने वाली नहीं है। हमारे प्रत्याशी जीतते हैं जो भी पार्टी हमारे एजेंडे को फॉलो करेगी मानेगी हम उसको सहयोग देने का काम करेंगे, सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। और कोई पार्टी हमारे एजेंडे को मानने को तैयार नहीं है तो हम विपक्ष में बैठ करके अपने मुद्दों को उठाएंगे।